Hey guys, welcome to our channel. Welcome to another video. Hope you all are doing well and staying safe. और guys, मैं बहुत अच्छी हूँ as you can see. तो guys, तानिया के बर्थडे वाला व्लॉग आ ही चुका है और आई होप सो आप सबने देख ही लिया होगा. तो कुछ ऐसा ही सेलिब्रेट करा था हमने उसका बर्थडे और आज डेट है मे बी 25, मे बी नहीं, हाँ 25 फेब है और टाइम हो रहा है 8:15 है शाम के. हाँ जी, 8:15 है शाम के, मतलब रात के. और मैं जा रही हूँ खाना बनाने और ये व्लॉग मैं इस टाइम इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो किया था और कल मेरा था लेग डे तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी. तो मैं उठी ही मे बी 12:30 थी. हाँ जी हाँ जी, एक मिनट. तो मैं उठी ही 12:30 थी और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी काम वाम किया था और कल मैं सोच रही हूँ कि कल मैं अपने घर जाऊँ क्योंकि बस गाइस मेरा मन कर रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे रुकती नहीं हूँ ज़्यादा. मैं अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाती तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कल घर जाऊँ. और कल मंडे आज संडे. तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे और मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि आज का ही दिन होता है, संडे वाला दिन जो होता है उसमें हम खा सकते हैं खाना, मतलब अपने मन का अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं और अदरवाइज तो हमें डाइट ही करनी होती है. प्यू नहीं करो ना प्लीज़. हाँ मैम कोई बात नहीं. तो अदरवाइज तो हमें डाइट ही करनी होती है तो हम अपने मन पसंद का खाना नहीं खा सकते हैं. और गाइस एक गुड न्यूज़ ये है कि जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तब मेरा वेट था 62 kgs और अब मेरा वेट है 57. तो गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही थी. और मतलब जब तक हम अपने वेट को, जब तक हमें हमारी बॉडी को ही नहीं लगता, हमें खुद को रियलाइज़ नहीं होता ना कि मतलब हमारा वेट मतलब बढ़ रहा है या ऐसा कुछ, तो तब तक हम ध्यान नहीं देते. गाइस मुझे खुद को फील होने लग गया था कि भाई मैं बहुत मोटी हो रही हूँ और मतलब मुझे अपने ऊपर ना पहना हुआ कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता था तो इसीलिए मैंने फिर मतलब ये भी ना काफ़ी दिन से वो हो रहा था कि हम अब जाएंगे जिम, हम अब जाएंगे, अब प्यू के बर्थडे के बाद जाएंगे. तो बस. और गाइस प्यू के बर्थडे की जो क्लिप है, मतलब मैंने शूट तो किया था अपने फ़ोन से और वो फ़ोन गया, गुम हो गया, ठीक है. और तो वैसे मैंने ये सोचा है कि जो कैमरामैन थे, जो भैया थे, उनसे एक हाईलाइट प्रॉपर बनवा के 12-15 मिनट की वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी. तो गाइस यही है अभी तो. और फिलहाल अभी चलता है नीचे खाना बनाने, मतलब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल. तो उसके बाद मैं सोचूं गाइस, मेरे को ना इतना टाइम हो जाता है सच्ची में, मैं अपनी आईब्रोज नहीं करवा पाती, मैं अपनी आईब्रोज करवाती. एक तो मेरे को दर्द होता है, पता नहीं, मतलब वो वाला दर्द है मेरे से ना सहा नहीं जाता, ऐसा कुछ है. तो मेरे को थ्रेडिंग, अपर लिप्स और फोरहेड कराना है और बाकी चल के देखते हैं पहले, लेकिन मेरे को पहले खाना बनाना है. तो गाइस चलो चलते हैं नीचे और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ. अरे लड़की देखो क्या कर रही है. और गाइस टाइम देखो, 8 बजने ही वाला है. और इसको देखो क्या है नन्ना, ये चीजी. और गाइस लिटरली ये पूरा मेलोडी का ना 50 वाला पैक था जिसमें मतलब 50 मेलोडीज होती है और मैं और प्यू इसको मिलके खा गए, पूरा ख़त्म कर दिया वो हमने, है ना प्यू. कैसे खाया नम, नम, नम. और हाय कर दो, हाय करो जल्दी, ऐसे नहीं हाथ से करो प्लीज़. हाय करते हो ना ऐसे. देखो ये अपनी चीज़ छुपा रही है गाइस, तो ऐसा तो ये करेगी नहीं, मुझे नहीं लगता ये हाय वाय करेगी, है ना. हाय पूछो कैसे हो, पूछो. नहीं गाइस अब ये चीज़ ही खाएगी. तो गाइस चलो चलते हैं नीचे. सो गाइस देखो ये मैंने काटी है मिर्च, इसमें मैं प्याज काटूंगी, मतलब इसमें मैं पकौड़े के लिए प्रिपरेशन करूँगी. और वो जो येलो बाउल में मिर्च है वो मैंने काटी है कड़ी छोपने के लिए. और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि प्याज आ जाए तो मैं फटाफट पकौड़े बनाऊँ. तो गाइस चलो देखते हैं अभी. और ये लड़की यहाँ से जा नहीं रही है, अब पता नहीं इतनी सी कटोरी में ना, ये कान्हा जी के भोग की कटोरी है और इसी में पानी पिए जा रही है. और गाइस किचन को माइंड मत करना, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किचन कब बन के रेडी होगी. और लेकिन मैं जो मैंने ऊपर का आपको किचन स्पेस दिखाया होगा, अगर नहीं दिखाया तो फिर मैं आपको आज फिर से दिखाऊंगी कि मैं एक्चुअल में चीज़ किचन अपनी कहाँ पे रेडी कराऊंगी.
चलो बना लेती हूँ, जैसे जैसे बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, मैंने पकोड़े बनाने की तैयारी कर दी है और एक बैच मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये जो फ्राई हो रहा है पहला बैच है और उसके बाद ये है, और फिर उसके बाद मैं कढ़ी छोकूंगी क्योंकि मेरे को कम ही बनानी है कढ़ी। तो गाइस चलो बना लेते हैं पहले और फिर मिलते हैं। देखो यहाँ मैंने कढ़ी छोक दी है, अभी कढ़ी पकेगी बहुत अच्छे से। और यहाँ मैंने पकोड़े बना के पहले से ही रखे हुए हैं, जब ये पक जाएगी तो तब डाल लें इसमें। और यहाँ मैं प्यू के लिए ना थोड़ी सी फ्राइज बना रही हूँ क्योंकि प्यू को फ्राइज अच्छी लगती है और वो खा लेती है। रहने दो बस, रहने दो, ठीक है। हाँ ऐसे बनती है ना गाइस, यही देख लो कि फ्राइज कैसे डाली है। ये देखो ये कटे हुए आलू है, इसमें डाला ना वो कॉर्नफ्लावर डाला, यूँ ही आलू डाल दिए उसमें। तो गाइस चलो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यू हेलो कर दे, हाय करो, हाय यू हाय जल्दी करो, हाय नहीं हाय करो, जल्दी 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 जल्दी। सो गाइस हम लोग आए मुखर्जी नगर, मतलब ऐसी कुछ खाने क्योंकि आज का ही दिन है, हम आज आजाद पंछी हैं, आज हम कुछ भी खा सकते हैं। और बस मैं यही भगवान से दुआ कर रही हूँ कि भगवान गलती से भी ये व्लॉग भैया ना देखे। एक तो भैया के पास मेरा नंबर नहीं है, दूसरी चीज़ मैंने इंस्टा पे आज डाला नहीं कि हाँ मतलब मेरा व्लॉग ऐसे ऐसे, नहीं मैंने चैनल का लिंक भी डाला, कुछ नहीं डाला। ऐसे देखो ये इसके चाचू ना मोमोज खा रहे हैं। पियो करियो फिर से, ओ वाह करियो करियो कर ऐसे नहीं होती भाई, ये ना कैमरा शायद ऐसी बन जाते है, लेकिन ये है नहीं बिल्कुल भी। करियो करियो कर दे, पियो हेलो कर दियो, पीपी पीपी पे तो है भाई। ये हमारी मम्मी के लिए एक प्रूफ है, देखो मम्मी क्या हो रहा है ये, दैट्स व्हाई ये खाना नहीं खाते घर पे। अरे मोमोज देख के ही कर रही थी, ओ वाओ सही भाई, मैं आ गया वैसे निकल के। कहाँ से? वो सुबह जिम करने आता है, वो मोमोज लेने आया उस पे। कहाँ? वो रहा सामने ब्लैक उसमें, ये अरे हाँ देखिए कौन है उसकी साइड पे वो खड़ी भैया को दिखा, भैया को अपनी भी दिखा देना। मैं थोड़ी कुछ खा रहा हूँ, भैया ना सुबह आते होंगे जिम, लेकिन मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन वैसे देखा है कभी कभी देखा है, लेकिन मैं सुबह जिम नहीं जाती। तो हाँ मुझे पता है कि किसकी बात कर रहा है, तो वही भैया वहाँ पे खड़ा है सामने, वही भैया खड़ा है वहाँ पे सामने, मतलब मोमोस वाली ठेली पे। अरे ये देखो ये ना वीडियो बना के भैया को सेंड कर रहा है, भैया को शेयर करती हूँ, भैया को शेयर करता हूँ, भैया भी है शायद दिख रहे हैं। गाइस चलो देखते हैं, नहीं भैया नहीं है क्योंकि थार, इस ये जो गाड़ी के पीछे ठेली है ना इसी पे ही खड़ा है वो भैया, देखो वो रे ये रहे। क्यों गंजे हो? दिखाना कहाँ से गंजे हो, बाल उठ रहे हैं हमारे। सो गाइस अभी देखो इनके मोमोज खत्म भी नहीं हुए हैं, पीछे देख लो, और इसने खत्म भी कर लिए। अब गाइस मेरे चार पीस मोमोज थे, ठीक है, जिसमें से एक प्यू ने गिरा दिया था गाड़ी में, बचे तीन उसमें से ही हम दोनों ने खाए, ठीक है। और अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, मतलब छोटा ही स्मॉल ही, बस इतना कि हम फटाफट से खा के और अपने घर चले जाएं। अब मैं इतनी पागल हूँ ना, मैं अपना चश्मा, अरे यार तुम अलग ही वो देखियो भैया, मैंने बोला नहीं था इनको, जाओ अब जल्दी, अब तो लगा दिया उन्होंने, अभी तो आया हूं मैं। कौन सा बोल के आया, स्वीट कॉर्न विद एक्स्ट्रा चीज, देखना गाइस क्या होता हमारे साथ, चीज एंड कॉर्न ही तो हो गया एक्स्ट्रा चीज और के साथ। वो क्या कहते हैं, मैं इतनी पागल हूँ ना, मैं अपना चश्मा लेके आई और ना ही मैंने आज लेंस लगाए, और मैं ये सोच के आई थी आज मैं गाड़ी चला लूंगी थोड़ी। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, पिज्जा आ जाए फिर दिखाते हैं। ऐसे देखो ये पानी 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 पिए जा रही है, लड़की पागल हो गई है हमारी, है ना पियो। और गाइस यहाँ के ना चाय बहुत अच्छी है,
मैं चाय पी के ही जाऊंगी आज, क्योंकि आज आज का दिन है मेरे पास। और गाइस देखो इसको, कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक बंद कर दे। इसे देखो गाइस, चलाइए बहन गाड़ी, चलाइए चलाइए पियो। देखो पूरा स्टीयरिंग घुमा देती है गाइस, ये किसी दिन लेके करेगी हमें ठीक, हमारी हड्डी पसली। चाय पीनी है मुझे, हाँ चाय पीनी है जी आपकी मम्मी को। क्या पीनी है पियो? चाय। चाय नन्ना पी का आई पियो, आई बोलो जल्दी बोलो। और गाइस ये ना मीडियम पिज्जा था, तो इसमें से हमने आधा निकाल लिया, क्योंकि हम फूड बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, और अगर हमसे नहीं खाया जाएगा तो हम किसी को दे देंगे, वो हमने अलग ही निकाल लिया। मतलब कैसा रहा, अच्छा लगा ड्राइव करके? तो गाइस चलो पहले बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। अभी तो सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया और इन्होंने खाना खाया है, क्योंकि क्या बताऊँ बस मेरा मन नहीं कर रहा था। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, इनको पेट भर गया है। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, मोमोज और अब हम जा रहे हैं सोने। गाइस तीन पीस मोमोज खाए और एक पिज्जा की स्लाइस खाई है, एक ही खाई है। मैं पिज्जा दिखा दूंगा, हाँ दिखा दे कितने पीस थे। और गाइस सीरियसली पियो की कसम एक पिज्जा की स्लाइस खाई है। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अर्पित ने ना खाया? नहीं, तो उसमें तीन ही स्लाइस है बस, पता नहीं फिर। हाँ तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, और प्लीज गाइस बेल आइकन प्रेस कर लेना प्लीज। और गाइस सुनो, गाइस जय बाबा की, बाबा की तो ठीक है। गाइस एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत पते की बात, याना भी ऐसा पाद मारो भाई, बहुत गंदा सड़ाती है, बहुत गंदा ही से कहते हैं भगवान, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। मेरी तो जो भी मैंने खाया ना अभी, दाल चावल नहीं, कड़ी चावल जो इन्हें बनाए थे। और गाइस ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, रियलिटी में बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा ये करता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब लगा लो और देख लो ये हुक्का पी रहा है, अब तुम खुद ही लगा लो। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइस जय बाबा की, स्टे हेल्दी, गाइस बाय बाय, गाइस गाइस चल।